नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी और TV24 के चुनावी पेशकश में हम लगातार आपको बता रहे हैं कि चुनाव परिणाम क्या हो सकता है। कल एग्जिट पोल के आंकड़े हमने आपके सामने रखे और आज की चर्चा हमारी आधारित है पोल ऑफ पोल, यानी कि सभी एग्जिट पोलों का एक महायोग बनाकर हम आज उस पर डिस्कस करेंगे। हालांकि वैसे तो कुल देश भर में 13 एग्जिट पोल हुए हैं, लेकिन प्रमुख जो 4-5 हैं उनका एक औसत निकालकर आज हम अपनी चर्चा के जरिए जानने की कोशिश करेंगे कि जो 4 तारीख को जनादेश आने वाला है वो किस तरीके का होगा, उसकी धुंधली तस्वीर क्या है, वो किस ओर इशारा कर रहा है। तो पोल ऑफ पोल में क्या होने वाला है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में किस तरीके के रिजल्ट आने वाले हैं और इसके पीछे का सच क्या है, विश्लेषण क्या कहता है, यही आज हम अपने ब्यूरो हेड्स और चैनल के एडिटर के साथ बैठकर बातचीत में जानने की कोशिश करेंगे। तो आज का पोल ऑफ पोल शुरू करते हैं। तो पहले सुन लेते हैं इस तरीके के जो एग्जिट पोल कल से आ रहे हैं उसको लेकर राजनीतिक दलों की क्या प्रतिक्रिया है। इसका नाम एग्जिट पोल नहीं है, इसका नाम मोदी मीडिया पोल है। ये मोदी जी का पोल है, फैंटेसी पोल है उनका। थैंक यू सर। कितनी सीटें आ रही है आपके हिसाब से? सिद्धू मूसेवाला का सॉन्ग सुना आपने? 295। ही टोल्ड वी डिस्कस विद अवर पीसीसी प्रेसिडेंट, चीफ मिनिस्टर्स, इंचार्जेस, कैंडिडेट्स, दे आर ऑल वेरी कॉन्फिडेंट दिस एग्जिट पोल इज एक्चुअली अ बोगस पोल फॉर गवर्नमेंट। सर, हाउ मेनी सीट्स इंडिया विल गेट? 295। जो एग्जिट पोल में आया वो जो जनता का मूड है वही आया है, और जनता का मूड हमने देखा है चुनाव में। मैं केरल का प्रभारी था, हमारे कार्यकर्ता और उम्मीदवार और नेता सभी मिलके जिस तरह से टीम भावना से काम किया और जिस तरह से हमारे वोट एटलीस्ट डबल हुए हैं, 12% है तो मेरी उम्मीद है कि 20% से अधिक 24% तक भी हो सकते हैं। खड़गे जी कह रहे थे कि दक्षिण भारत भाजपा मुक्त हुआ, अब भाजपा दक्षिण भारत में सबसे अधिक सांसद होने वाला पार्टी होगी, सबसे अधिक एमपीज बीजेपी के होंगे, दूसरे किसी भी दल के इतने नहीं होंगे। तो ये थी प्रतिक्रियाएं जो कि एग्जिट पोल के बाद सामने आई हैं। कांग्रेस बिल्कुल भी खुश नहीं नजर आ रही है इन एग्जिट पोल के नतीजों को लेकर, और हो भी क्यों ना, क्योंकि सभी एग्जिट पोलों ने एक तरीके से कांग्रेस को सीटें कम दिखाई है। ज्यादातर एग्जिट पोलों के जो आंकड़े सामने आए हैं उसमें एनडीए यानी बीजेपी गठबंधन को बढ़त और बढ़त ही नहीं प्रचंड बहुमत के आंकड़े दिखाए गए हैं, और इस वजह से कांग्रेस ने नाराजगी व्यक्त की है और अपना आंकड़ा प्रस्तुत किया है कि 295 सीट उनके गठबंधन को मिल रही है। इस पूरे मामले में नाराजगी व्यक्त की गई है, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है, चुनाव आयोग भी आज जो है कांग्रेस और उसके गठबंधन के साथ ही गए थे। लेकिन हम चर्चा करेंगे तो पूरे औसत की चर्चा करेंगे और एक एग्जिट पोलों का पोल ऑफ पोल दिखाने की पहले कोशिश करते हैं। तो आंकड़े आपको दिखाते हैं स्क्रीन पर और आप उससे समझ सकते हैं कि किस तरीके की स्थितियां देश में बन रही है। तो इस तरीके की स्थितियां बन रही हैं, एग्जिट पोल के आंकड़े आपको स्क्रीन में दिखा रहे हैं जिससे आप समझ सकते हैं कि किस एग्जिट पोल की एजेंसी ने क्या आंकड़े दिए हैं। चलिए आपको पूरे फुल स्क्रीन में पहले प्रदेश वाइज जानकारी दे देते हैं, टेली दिखा देते हैं, उसके बाद आपको एग्जिट पोल के आंकड़े दिखाएंगे। तो टेली आप स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं। पहले एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल एनडीए को 261 से 401 सीट, इंडिया गठबंधन को 131 से 166 सीट और अदर्स के खाते में 1 से 10 सीटें। इसके साथ सी वोटर को आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन में 353 से 383 सीट,
और इंडिया गठबंधन को 151 से 182 सीट, अदर के खाते में 4 से 12 सीट। टुडे चाणक्य का आंकड़ा आपके स्क्रीन में 385 से 415 सीट और इंडिया गठबंधन को 96 से 118 सीट चाणक्य के एग्जिट पोल में दिए जा रहे हैं। सीएनएक्स के एग्जिट पोल में 371 से 401 सीट बीजेपी गठबंधन को और कांग्रेस गठबंधन को 109 से 140 सीटें, अदर्स के खाते में 28 से 38 सीटें। इसके अलावा आप देख पा रहे हैं ईटीजी का सर्वे जो कि स्क्रीन पर आपके दिखाई दे रहा है, 358 सीट बीजेपी गठबंधन को, 132 सीट इंडिया गठबंधन को और अदर के खाते में 153। और इस तरीके से इन प्रमुख एग्जिट पोलों को औसत के रूप में लिया जाए तो बीजेपी गठबंधन को करीब 380 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। तो पोल ऑफ पोल आपके स्क्रीन में आप देख पा रहे हैं 379 सीटें मिल रही हैं बीजेपी गठबंधन को, 136 सीटें इंडिया गठबंधन को और अदर्स के खाते में 28 सीटें। तो ये वो आंकड़ा है जो कि बताता है कि प्रमुख जो पोल्स एजेंसियां हैं उन्होंने अपने जो आंकड़े प्रस्तुत किए हैं उनका औसत क्या आता है। तो ये औसत है और इसी औसत पर आपत्ति है कांग्रेस को। कांग्रेस के प्रमुख नेता राहुल गांधी का एक झुंझलाया हुआ बयान, गुस्से में तमतमाया हुआ बयान हमने आपको सुनाया और स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि पोल ऑफ पोल क्या कहता है। तो आपने देखा ये है आंकड़े। हालांकि 13 अलग अलग एजेंसियों ने एग्जिट पोल जारी किया है, ज्यादातर के जो आंकड़े हैं वो बीजेपी गठबंधन को जिताते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी पर जो आपत्ति कांग्रेस ने जताई थी उस पर मनोज तिवारी का क्या कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। आज मैंने राहुल गांधी को इतना गुस्से में देखा कि ऐसा लगा जैसे वो मीडिया से आज मारामारी करेंगे। वो एक बार आए मीडिया से कुछ बोले फिर चले गए, फिर अचानक पलट के आए, आंखों में ऐसा गुस्सा जैसे लगता था कि यहीं सारा कुछ निकाल देंगे अपना फ्रस्ट्रेशन। व्हाई आर यू सो मच फ्रस्ट्रेटेड राहुल जी? अरे एग्जिट पोल आया है, पहले तो आपने कह दिया डिबेट में कोई नहीं जाएगा, वही पता चल गया आप गए। लेकिन आप एग्जिट पोल करने वाले लोगों की मेहनत को कौन कितना समय जाता है पूछताछ करता है? एग्जिट पोल आपको नहीं मानना है मत मानिए, लेकिन ऐसा लगा कि आके बस हाथ छोड़ेंगे, सिक्योरिटी वाले ऐसे करके ले चले। अरे साहब छोड़ो, ज्यादा नाराज नहीं होता ऐसे लग रहे, कमाल है। ये फ्रस्ट्रेशन राहुल गांधी का ये बता रहा है कि राहुल गांधी अपनी जिंदगी में कभी भी सकारात्मक रास्ते पे नहीं चल सकते, न तो जनता की पसंद हो सकती। प्रतिक्रिया काफी सधी हुई और आड़े हाथों लेते हुए दिखाई दिए मनोज तिवारी। और हमने आपको बता दिया है कि पोल्स ऑफ पोल्स क्या कहते हैं और इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ इस पूरी चर्चा के लिए एक पैनल जुड़ा हुआ है, तो उनसे आपका पहले परिचय प्राप्त करा देते हैं, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो हमारे साथ मौजूद है हमारे स्टूडियो में, चलिए हमारे साथ मौजूद हैं पूरी चर्चा में पहले मध्य प्रदेश के हमारे एडिटर अतुल पाठक जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ उत्तर प्रदेश के हमारे एडिटर मौजूद हैं शत्रुघ्न जी, बहुत स्वागत है आपका। और वरिष्ठ पत्रकार के रूप में हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषण लेकर मौजूद हैं उचित शर्मा जी छत्तीसगढ़ से, बहुत स्वागत करेंगे आपका। इसके साथ हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के रूप में मौजूद हैं मुरारी मिश्रा जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। तो तीनों चारों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, पैनलिस्ट हमारे साथ रहेंगे और एक एक करके अपने अपने प्रदेशों की स्थिति का विवरण भी रखेंगे और बताने की भी कोशिश करेंगे कि एग्जिट पोल से उनके जो विश्लेषण हैं वो आंकड़े कितने मिलते जुलते हैं। तो सबसे पहले रुख कर लेते हैं उत्तर प्रदेश का, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सीटें और सबसे ज्यादा निगाहें चुनावी विश्लेषकों की उत्तर प्रदेश में थी और जो आंकड़े आए हैं वो स्क्रीन में हम दिखा रहे हैं। सभी जो एग्जिट पोल हैं उसका अगर एक औसत निकाला जाए तो एक आंकड़ा हमने प्रस्तुत किया है, करीब
70 सीटें के आसपास बीजेपी गठबंधन को मिलती हुई दिख रही हैं। इसके अलावा कांग्रेस गठबंधन को जो सीटें मिल रही हैं वो करीब 11 से 12 के आसपास है। तो शत्रुघ्न जी का क्या विश्लेषण है? शत्रुघ्न जी, सभी एग्जिट पोल को देखकर आप किस आकलन में पहुंचते हैं और कितने सही रहेंगे ये एग्जिट पोल, आपका क्या आकलन है? एक्चुअली क्या है, ये जो 69 सीट्स जो दिखाई दे रही हैं, लगभग 70 सीट के लिए जो एनडीए को दे रहे हैं, तो ये लगभग में एक तरीके का सही एग्जिट पोल है। लगभग यही पहुंचना चाहिए जो हम लोगों ने क्षेत्र में घूमा है, क्योंकि एक नीचे साइलेंट डे चल रही थी, जो वोटर खुल नहीं रहा था, वो वोटर की हवा मोदी जी की तरफ चल रही है। उसकी वजह से जो ये एग्जिट पोल है जो दिखा रहा है, तो लगभग में टैली यहीं पे 4 दिन को पहुंचनी चाहिए। और उसका रीजन क्या है, कांग्रेस पार्टी का किसी भी जिले में संगठन नहीं है। कांग्रेस पार्टी के साथ अलाइन अखिलेश यादव ने किया, समाजवादी पार्टी ने किया, उन्होंने जो ये अलाइनमेंट अपना किया है उसकी वजह सिर्फ ये था कि मुस्लिम वोट अखिलेश यादव से नारा चल रहा था, समाजवादी पार्टी से मुस्लिम वोट नारा चल रहा था। तो अखिलेश यादव ने यह सोचा कि मुस्लिम वोट को अपने साथ जोड़ने के लिए अखिलेश यादव ने कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन किया। अब यादव वोट है समाजवादी के पार्टी के पास और मुस्लिम वोट है आज की डेट में मुस्लिम वोट है कांग्रेस के पास, जो उत्तर प्रदेश की संरचना है। तो इन दोनों लोगों को यादव और मुस्लिम वोट दोनों मिल जाएगा, ये उन्होंने सोचा। और ये सोचा जो हम जिस कैंडिडेट को हम टिकट दे देंगे, वो कैंडिडेट अपना वोट खींच लाएगा। जिस बिरादरी का हम कैंडिडेट देंगे वो बिरादरी का वोट खींच लाएगा, जिससे हम लोग चुनाव जीत जाएंगे। इनका जो आकलन यहाँ पर मोटा मोटा जो उत्तर प्रदेश में है कि 18 से 19% तक जो है मोमडन वोट है उत्तर प्रदेश में, जो ये रहता है, और यादव वोट के मांग के चलते हैं ये लोग 10% तक यादव वोट है। तो दोनों को मिलाने के बाद उनका ये मानना रहता है कि हम पे 29% वोट आ गया, और उसके बाद हमने जिस बिरादरी का कैंडिडेट हम खड़ा कर देंगे वो कैंडिडेट अपना वोट खींच लाएगा। अब लेकिन ग्राउंड पे पोजीशन क्या है, ग्राउंड पे आज की पोजीशन ये है कि इन दोनों पार्टियों को कांग्रेस का कहीं पे कोई संगठन नहीं है, कांग्रेस का कहीं कोई वोट नहीं है, कांग्रेस का कोई फायदा अखिलेश यादव को नहीं मिलता दिखाई दे रहा है, जहां तक मैंने जो देखा हुआ है। जो छोटे तबका का वोट है जो उत्तर प्रदेश में, वो सारा वोट भारतीय जनता पार्टी के पास जुड़ा हुआ है। यादव को छोड़ के सारी डीसी जातियां, क्योंकि नरेंद्र मोदी को ये प्रचार भी बहुत हुआ कि नरेंद्र मोदी जी डीसी जात से आते हैं, और उस वजह से जो यादव को छोड़ के बाकी की सारी डीसी जातियां वो सारी नरेंद्र मोदी जी को भारतीय जनता पार्टी को वोट कर, इस वजह से इनके पास कोई वोट ऐसा है नहीं जो एक्स्ट्रा वोट आके जो इनको कुछ सीटें गेन कराता। इनके परिवार की जो 5 सीटें हैं वहां पे ये बढ़िया फाइट में है। एक सोनिया गांधी की कांग्रेस की एक सीट है, सोनिया गांधी जिससे रहती है रायबरेली, वहां ये अच्छी स्थिति में है, वहां जीतेंगे, वहां कोई कांग्रेस यही उसमें एग्जिट पोल में भी आया हुआ है। और इसके अलावा कांग्रेस कहीं भी ऐसी स्थिति में, उनका संगठन ही जब नहीं है तो कहां से लड़ेंगे, कहां से वोट आएगा, ये उत्तर प्रदेश की स्थितियां हैं। पहले भी इन्होंने, इनके जो यहाँ दोस्त थे, जैसे कि इन्होंने समाजवादी पार्टी के साथ राष्ट्रीय लोकदल जुड़ा हुआ था, जो जाटों का एक चौधरी चरण सिंह का पार्टी है, वो चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न मिल गया, जाट खुश हो गए, उनके नाती उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन कर लिया, तो जो एक जाटों का भी वोट था वो कहीं से इनको फायदा मिल सकता था वो भी हट गया। इनके और भी जो दोस्त थे ओम प्रकाश राजभर, जो उनकी एक पार्टी है राजभर, वो भी एनडीए में आ गए, तो इनके पास तो वोट बचा ही नहीं है। निषाद पार्टी एनडीए में है, अपना दल एनडीए में है, एक पल्लवी पटेल थी जो अपना दल, उनकी बहन है अनुप्रिया पटेल जो मंत्री है, उनका एक दल है, उनको भी उन्होंने केशव प्रसाद मौर्य को विधानसभा में चुनाव में हरा दिया था, तो उनको भी इन्होंने अपने साथ नहीं जोड़ा, उनको सीट नहीं दी, उनको सम्मान नहीं दिया, वो भी दूर हो गई। तो अब आपके पास जब किसी पर्टिकुलर कहीं से कोई वोट आ नहीं रहा है तो सीट कहां से आपके पास आ जाएगी? तो ओवरऑल जो उत्तर प्रदेश की संरचना बढ़ क्यों रही है, ये इतनी ज्यादा जो सीटें बढ़ रही है, करीब पिछली बार 62 सीटें थी, 8-9 सीटों का फायदा दिखा रहा है, इनकम्बेंसी के बावजूद ये 8-9 सीटें क्या बढ़ पाएंगी, क्या इसी पर संशय है? देखिए हुआ क्या था, अगर आप 2014 में
देखें 2014 में भारतीय जनता पार्टी के पास 71 सीट थी जी। 2014 में उसके बाद 2019 में समाजवादी पार्टी ने बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन कर लिया। उस गठबंधन में ये हुआ कि एससी और बीसी और वोट बहुत होगा, ये होगा, इन्होंने वो अच्छी लड़ाई लड़ी। इधर कांग्रेस ने राष्ट्रीय लोकदल से गठबंधन कर लिया था और महादल से, तो लड़ाई हुई। कांग्रेस का तो कुछ ऐसा यहाँ अस्तित्व उत्तर प्रदेश में है नहीं, लेकिन समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी को माना जाता है कि जो वो बीसी क्लास की का यादवों का वोट है और कुछ बीसी का वोट उनके साथ जुड़ा हुआ है, और बहुजन समाज पार्टी के साथ ये माना जाता है कि वो एससी की पार्टी है। तो इन दोनों को वोटों को मिला के नरेंद्र मोदी जी या भारतीय जनता पार्टी की इसमें टक्कर हुई, तो 15 सीट जो है 10 सीट बहुजन समाज पार्टी को मिल गई और 5 सीट मिल गई समाजवादी पार्टी को। अब इस समय बहुजन समाज पार्टी अलग लड़ रही है। अब इन्होंने गठबंधन कर रखा है कांग्रेस से, कांग्रेस के पास कोई बेस वोट है नहीं, कैडर वोट है नहीं, किसी बिरादरी का पर्टिकुलर वोट है नहीं, तो उनकी सीटें तो बढ़नी ही भारतीय जनता पार्टी की है। जो बहुजन समाज पार्टी की 10 सीट थी वो सीधी सीधी भारतीय जनता पार्टी में एक तरीके से मिलती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि उस समय 62 सीट थी, वही जाके अभी 7-8 सीट का कुछ समाजवादी पार्टी को कुछ इनकम्बेंसी कह सकते हैं या जो परिस्थितियां कह सकते हैं, लेकिन जो मुझे दिखाई दे रहा है कि वही 71 तक ये भारतीय जनता पार्टी पहुंच जाएगी। वही 10 सीटें जो समाज बहुजन समाज पार्टी को मिली थी वो दिखाई दे रहा है बहुजन समाज पार्टी को कोई सीट सर्वे उसमें एग्जिट पोल में भी आ रहा है कि कोई भी सीट बहुजन समाज पार्टी को नहीं मिल रही है, क्योंकि वो एक सीट पे केवल फाइट में है, वो बांदा की सीट है, उसके अलावा तो कहीं वो फाइट में भी नहीं है, सब जगह तीसरे नंबर पे लड़ रहे हैं। ठीक है, चलिए शत्रुघ्न जी, आपने काफी अच्छा विश्लेषण रखा और आपके हिसाब से एग्जिट पोल के आसपास ही जो एक्चुअल जो रिजल्ट आएंगे वो रहने वाले हैं। हम चलते हैं मध्य प्रदेश का भी हाल जान लेते हैं और मध्य प्रदेश में जो एग्जिट पोल के आंकड़े दिखा रहे हैं, ज्यादातर एग्जिट पोलों ने जो रिजल्ट बताया है उसमें भाजपा गठबंधन को करीब 27 से 28 सीटें मिल सकती हैं और 1 से 2 सीटें कांग्रेस गठबंधन या कांग्रेस को मिलेंगी, ऐसी जानकारी है। अतुल पाठक जी हमारे साथ बने हुए हैं, वो ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे। क्या जमीन में भी ऐसी स्थिति है जो पोल में दिखाई दे रही है? अतुल जी, मोहन जी, जो स्थितियां हैं जो एग्जिट पोल बता रहे हैं, हम वही स्थिति जमीन पर भी है और उसी तरह के नतीजे मध्य प्रदेश में आने की पूरी पूरी। मध्य प्रदेश में यदि हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस तो अभी हार की हताशा से उभरी ही नहीं है। यही वजह है कि विधानसभा से जो सदमा उसे लगा हुआ था वो सदमा अभी भी बरकरार है, और जिस तरह से लोकसभा चुनाव के पहले कांग्रेस में भगदड़ मची उससे साफ था कि कांग्रेस में अब स्प्रिट नहीं बची, कांग्रेस कार्यकर्ता हताश हो चुका है और लगातार लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण तक कांग्रेस के नेता बीजेपी की तरफ रुख करते रहे, एक से बढ़कर एक नेताओं ने बीजेपी का दामन थामा। इवन एग्जिस्टिंग 3 एमएलए कांग्रेस से बीजेपी में आ गए लोकसभा चुनाव के ठीक पहले, तो इसका अर्थ साफ था कि कांग्रेस के अंदर स्पार्क नहीं बचा हुआ है। निश्चित रूप से नए नेतृत्व के साथ कांग्रेस ने नए प्रयोग जरूर किए, कुछ विधायकों को टिकट दिए, कद्दावर नेताओं को टिकट देने की कोशिश की, लेकिन कद्दावर नेता खड़े होने को तैयार नहीं हुए। हालांकि दिग्विजय सिंह ने जरूर चुनावी मैदान में दम जरूर लगाया, अपनी परंपरागत राजगढ़ सीट से वो खड़े हुए, लेकिन इसके बावजूद भी दिग्विजय सिंह के पक्ष में माहौल बनता हुआ दिखाई नहीं देता। हालांकि ये सीट जरूर अभी भी फाइट में है। इसके अलावा कमलनाथ, जिनका गढ़ छिंदवाड़ा माना जाता है, वो खुद चुनाव नहीं लड़े, उनके बेटे नकुलनाथ चुनाव मैदान में है। यहाँ पर बीजेपी ने अपने स्थानीय कार्यकर्ता को फेयर टिकट दिया। लगातार यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच में चुनावी मैदान में हमें बहुत कड़ी प्रतिस्पर्धा देखने को मिली, लेकिन बीजेपी ने पूरी कोशिश की, अमित शाह भी लगातार यहां पर दौरे करते रहे। कुल मिलाकर जो कांग्रेस का गढ़, जो 2019 में भी नहीं ढहा, 2013 में भी नहीं ढहा, उस गढ़ को ढहाने के लिए बीजेपी ने पूरी कोशिश की, लेकिन फिर भी एक सीट यदि कांग्रेस की आती है तो ये माना जा रहा है वो छिंदवाड़ा सीट है जहां से कांग्रेस जीत हासिल कर सकती है। बाकी की स्थितियां ऐसी है कि 4-5 सीटें ऐसी रही जिन पर निश्चित रूप से कांग्रेस ने कड़ी फाइट दी है, स्थानीय समीकरण भी कांग्रेस के पक्ष में गए, इसी वजह से कांग्रेस फाइट में दिखाई दी, लेकिन फाइट में होने का अर्थ यह नहीं है कि कांग्रेस जीत रही है। निश्चित रूप से जो पोल ऑफ पोल एग्जिट पोल के नतीजे बताते हैं कि 29 में से 28 सीटें बीजेपी जीत रही है, तो अमूमन यही स्थिति मुझे लगता है कि जब फाइनल नतीजे आएंगे तो 27 से 28 सीटें बीजेपी को मिल सकती है,
बीजेपी को मध्य प्रदेश से हमेशा अच्छा प्रतिशत मिलता रहा और उसके पीछे यहाँ की बीजेपी की संगठनात्मक क्षमता भी है। यहाँ पर बीजेपी का संगठन जिस स्तर पर काम करता है निश्चित रूप से अन्य दलों को उससे सबक लेना चाहिए कि किस स्तर पर ये लोग काम करते हैं। चुनाव परिणाम आने के बाद जीतने के बाद से ही ये लोग लग जाते हैं, इसके बाद संघ से जुड़े हुए संघ के सांघिक संगठन भी बीजेपी का पूरा सहयोग करते हैं और अंत समय में जब सारी शक्तियां बीजेपी और संघ के अनुसांगिक संगठनों की शक्तियां मिल जाती हैं, संगठन की शक्ति मिल जाती है और सत्ता में तो लगातार बीजेपी है ही, तो तमाम समीकरण उसके पक्ष में हो जाते हैं। ये बात जरूर है कि जनता में कई बार नाराजगी देखने को मिलती है, वोटर्स जब पोलिंग बूथ तक जाता है तो कई बार नाराजगी दिखाता है लेकिन उसको कांग्रेस में कोई अच्छा विकल्प नजर नहीं आता, उसे संभावना नजर नहीं आती, तो अल्टीमेटली वो न चाहते हुए भी एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर होते हुए भी सरकार से या संगठन से नाराजगी के बावजूद भी बीजेपी को वोट करने के लिए मजबूर हो जाता है। और ये भी एक वजह रहती है कि बीजेपी अंत में बाजी मार ले जाती है, जैसा कि हमने विधानसभा चुनाव में देखा लगातार ऐसी कोशिशें हुई, इस तरह का माहौल बना कि कांग्रेस जीत रही है, बीजेपी के खिलाफ जबरदस्त माहौल है, कहीं से कहीं तक ऐसा नजर नहीं आता था कि बीजेपी इतनी बड़ी लीड के साथ मध्य प्रदेश में बीजेपी सत्ता में वापसी कर रही है। लेकिन जब नतीजे आए तो सब चौंक गए, राजनीतिक विश्लेषक भी चौंके और सारे सर्वे चौंक गए, एक दो सर्वे को छोड़ दें तो सभी कांग्रेस के पक्ष में दिखाई देते थे, लेकिन सर्वे के नतीजे भी मध्य प्रदेश में चौंकाने वाले रहे। सर्वे के बाद जो नतीजे आए उसने तो और ज्यादा चौंकाए, तो मध्य प्रदेश के जो समीकरण है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कई सालों से दिखाई दे रहे हैं। 2018 को छोड़ने तो जनता ने जरूर मध्य प्रदेश में कांग्रेस को सबक बीजेपी को सबक सिखाया, कांग्रेस को सत्ता में बैठाया, लेकिन कांग्रेस के सत्ता में रहने के बाद भी जब लोकसभा चुनाव हुए तो 29 में से 28 सीटें कांग्रेस की सरकार होते हुए भी बीजेपी को दी, ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे दिग्गज भी इस लहर में हार गए। तो अब यदि सर्वे ये बता रहे हैं कि 27 से 28 सीटें बीजेपी को मध्य प्रदेश में मिलेंगी तो निश्चित रूप से नतीजे कुछ ऐसे ही हो सकते हैं। दो सीटों की बात जो आ रही है, किन दो सीटों में कांग्रेस को एज दिखता है थोड़ा, आपके पास क्या आकलन है? देखिए दो सीटें कांग्रेस की परंपरागत सीटें मानी, एक तो छिंदवाड़ा सीट है जो कमलनाथ की सीट है, दूसरी सीट है राजगढ़ की जहां पर दिग्विजय सिंह फाइट कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह वहां के राज परिवार से आते हैं, वहां पर जनता का सॉफ्ट कॉर्नर दिग्विजय सिंह के परिवार के प्रति रहता है और दिग्विजय सिंह वहां पर लड़ते भी रहे, जब जब लड़े उन्होंने जीत हासिल की, लेकिन इस बार उस तरह के नतीजे आएंगे ये कहा नहीं जा सकता। तो वहां पर एक फाइट मानी जा सकती है कि राजगढ़ में फाइट है, और भी कुछ बेल्ट ऐसे हैं जहां पर चंबल में भी एक दो सीटें ऐसी हैं जहां पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच में बराबर की फाइट मानी जा रही है, मुरैना सीट है, भिंड सीट है, यहां पर कांग्रेस कुछ मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। इसके अलावा आदिवासी बेल्ट में कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पर कांग्रेस बाजी मार सकती है, कांतिलाल भूरिया और बीजेपी के बीच में मुकाबला है, कांतिलाल भूरिया पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं, उनकी सीट पर कांग्रेस की स्थिति मजबूत मानी जा रही है। फग्गन सिंह कुलस्ते केंद्रीय मंत्री के सामने जो कैंडिडेट है कांग्रेस का वो भी मजबूत स्थिति में माना जा रहा है, लेकिन अमूमन दो सीटों पर ही मुझे लगता है कि सर्वे टिका हुआ है, वो दिग्विजय सिंह की सीट है और कमलनाथ का गढ़ है छिंदवाड़ा, उनके बेटे यहाँ पर नकुलनाथ चुनाव मैदान में है, तो इन्हीं दो सीटों पर कहीं ना कहीं सर्वे में कांग्रेस को संभावनाएं दिखाई देती हैं। बाकी मुझे नहीं लगता है कि कोई सीट कांग्रेस हासिल कर पाएगी। फिर भी नतीजे क्या होते हैं, एग्जिट पोल और वास्तविक नतीजों में क्या अंतर दिखाई देता है, अभी कहना फिलहाल मुश्किल। बिल्कुल, तो हम इसी बात को कसौटी में कसने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारे फीडबैक हैं वो एग्जिट पोल से कितने मिलते जुलते हैं। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का हाल हमने जान लिया, अब छत्तीसगढ़ की ओर रुख करते हैं। उचित शर्मा जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। शर्मा जी, आपसे हमने कई बार चुनाव के परिणाम को लेकर डिस्कशन किया है, इस बार जब एग्जिट पोल ही अब सामने आ गए और सभी एग्जिट पोलों ने 10 से के आसपास सीटें दे दी हैं, 10-11 सीटें बता दी हैं कि बीजेपी को मिल सकती है, एक सीट कांग्रेस की संभावना है, क्या इससे इत्तेफाक रखते हैं आप और इसकी क्या वजह देखते हैं? नहीं मोहन जी, फिलहाल तो इससे इत्तेफाक नहीं रखते, मुझे नहीं लगता कि अभी इस तरीके के, थोड़ा सा वेट और कीजिए, थोड़ा सा आपको रोकना पड़ेगा क्योंकि ये एग्जिट पोल है, अभी भी मैं इसको एग्जिट पोल तो नहीं मानता। जिस तरीके से हम लोग ने भी डेटा कलेक्ट किया है, हम लोग भी जमीनी स्तर पे काम किया है, मुझे लगता है कि भाजपा से आप कहेंगे नाराजगी तो है,
लेकिन कांग्रेस से कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी, ये बात भी सत्य है, इसे नकारा नहीं जा सकता। अब कांग्रेस इसको वोट पर कितना तब्दील कर पाएगी या कितना उसको अपनी ओर आकर्षित कर पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ऐसा नहीं कि आप भाजपा के पास वोट जा रहा है, मेजर शेयर जा रहा है, तो भाजपा से नाराजगी नहीं है। आप देखिएगा वोट परसेंटेज में, बिल्कुल कहता हूँ कि वोट परसेंटेज में चोट लग सकती है। जो 4-4 लाख वोट से जीत के आ रहे हैं उसमें थोड़ी सी कमी और उसमें चुनौती हो सकती है। हकीकत में ये चुनौती कांग्रेस की कम और भाजपा की ज्यादा थी। इस बार आप ये कह सकते हैं कि भाजपा को अब सीट बचाना इतने उसपे डिफर थोड़ा सा टफ टाइम में आपका है, तो उनके लिए ज्यादा बड़ी चुनौती थी, क्योंकि उन्होंने 9 सीट बचानी थी। मोदी की लहर थी, मोदी की गारंटी पे पूरे चुनाव लड़े जा रहे थे। मुद्दे तो थे नहीं, ना तो किसी रेल ट्रेन का मुद्दा था, नगरनार का मुद्दा था, ना हसदेव का मुद्दा है, ना आरक्षण का मुद्दा है, ना धर्मांतरण का मुद्दा है। केंद्र के जो विषय जिसमें संलग्न होते हैं, तो केंद्र के विषय के भी कोई मुद्दे रहे नहीं। हकीकत में ये चुनाव मुद्दों पे कम और मोदी पे ज्यादा रहा है, ये बात भी सत्य है। तो लेकिन ऐसा नहीं कि हमारी सीट पे आप कह सकते हैं कि महासमुंद का क्या हाल होगा, टफ फाइट नहीं हुई होगी। आप कह सकते हैं कि बस्तर में टफ, कांकेर में और बस्तर में टफ फाइट नहीं है। चापा जांजगीर को आप कैसे भूल सकते हैं कि वहां पे 8 विधायक है, तो आप कैसे इनकी तरफ इनको दे सकते हैं। राजनांदगांव से जहाँ पूर्व मुख्यमंत्री लड़ रहे हो चुनाव, वहां आप इमीडिएट कैसे कह सकते हैं। तो मुझे लगता है कि वी हैव टू वेट एंड वी शुड वेट फॉर रायपुर की। अगर सीट छोड़ दे तो रायपुर की सीट तो वैसे भी एक कीर्तिमान के लिए लड़ी जा रही है, ये आप भी समझते हैं, हम सब समझते हैं कि रायपुर की सीट पूरे छत्तीसगढ़ नहीं, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा लीड वाली सीट भी हो सकती है। नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ में क्या आंकड़े देंगे आप कांग्रेस भाजपा को? देखिए, मैं कहूंगा कि अभी भी मैं इस जो आपने कहा ना कि आप इससे सहमत हैं या नहीं है, तो मैंने स्पष्ट तौर पे कहा है कि इससे सहमत नहीं है, क्योंकि रायपुर, रायगढ़, बिलासपुर और दुर्ग ये कंफर्ट पोजीशन में है भारतीय जनता पार्टी के एज मिला हुआ है। वहीं इसके इतर आप देखें तो कोरबा आपको देख ले, जसपुर देख ले, राजनगांव देख ले, आप बस्तर देख रहे हैं, ये भी फाइट के रूप में आप इसको देख सकते हैं। और कुछ सीटें, 3 सीटें ऐसी जहां तो आप क्लोज फाइट के रूप में देख सकते हैं। इसमें महासमुंद आप देख लीजिए, चापा जांजगीर देख लीजिए, कांकेर देख लीजिए। जब 2019 में लहर थी तब भी 6,000 वोट से हारे थे वीरेश ठाकुर जी। तो 3-4 सीटों का गेन देख रहे हैं यहाँ पर कांग्रेस के पक्ष में। मुझे ऐसा लगता है कि एक तो वोट परसेंटेज थोड़ा सा कम होगा भारतीय जनता पार्टी का, और सीट जो एग्जैक्टली वो एक बोल रहे हैं, मैं कहता हूँ कि थोड़ी सी ज्यादा की उम्मीद की जा सकती है। ठीक है, चलिए, ये उचित शर्मा जी का आकलन, उसमें कांग्रेस को थोड़ा सा एज पिछली बार से ज्यादा मिलता हुआ दिख रहा है। पिछली बार 2 सीटें थी 2019 के चुनाव में कांग्रेस के पास। मुरारी मिश्रा जी के पास चलते हैं। मुरारी जी, आपका क्या आकलन है छत्तीसगढ़ को लेकर, ये जो एग्जिट पोल है क्या ये सही है या इसमें कुछ फेरबदल भी है, हो सकता है जब एग्जैक्ट आंकड़े आएंगे? मोहन जी, आपके TV24 के सभी दर्शकों को मेरा राम राम। जी जी। मैं आपके प्रश्नों को उत्तर देने के पहले 2 लाइन कुछ और बोलना चाहता हूं। मैं उत्तर प्रदेश में जो हमारे पत्रकार महोदय ने जो विशेषण दिया, एक मेरे को महत्वपूर्ण बात यह लगती कि योगी सबसे बड़े फैक्टर हैं और कानून व्यवस्था पे सबसे बड़ा वोट पड़ा है। ये हमारा जो सेकंड सेगमेंट है वो फैक्टरों पर बातचीत होगी। अभी तो आंकड़े पर आपका क्या विश्लेषण है, सबका विश्लेषण सुन ले, फिर फैक्टर पे आएंगे। मतलब आंकड़े, मतलब छत्तीसगढ़ पे आप पहले फोकस कर दीजिए, फिर हम अगले बार फैक्टर, अभी जो अगला सेगमेंट है उसमें फैक्टर पे बात। जी जी, जैसे उचित शर्मा जी ने कहा कि कांग्रेस 4-5 सीटों पे बहुत मजबूत है। जी। मोहन जी, जब से छत्तीसगढ़ राज्य बना है, 2004 और 2009 में 10-10 सीट जीती, 2014 में बीजेपी 10 सीट जीती और 2019 में भारतीय जनता पार्टी 9 सीट जीती। आपको मालूम है कि 2018 में लगभग 67 सीटों के साथ कांग्रेस की सरकार बनती छत्तीसगढ़ में। उसके बाद कांग्रेस बुरी तरह चुनाव हारती है और पाटन, जहां से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का विधानसभा क्षेत्र है पाटन, वहां से भी भारतीय जनता पार्टी 27-28 हजार की लीड लोकसभा में पाती है। इससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि लोकसभा की कहानी, जैसे छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में तीनों जगह कांग्रेस की सरकार बनी और तीनों जगह भारतीय जनता पार्टी लगभग लगभग सीट जीत कर आती है। आप जो अभी चर्चा के में आया कि महासमुंद है,
आपका राजनांदगांव है, कांकेर आया, बस्तर आया, कोरबा आया, ऊंची जी जसपुर का नाम ले दिए, जसपुर लोकसभा नहीं है वो, रायगढ़ लोकसभा में आता है जसपुर विधानसभा, वो रायगढ़ लोकसभा है। मैं मोहन जी आप ये मान के चलिए 2004 से लेकर 2019 तक भारतीय जनता पार्टी 3 जगह से चुनाव जीती, एक जीती आपका महासमुंद, जोगी जी जीते थे 2004 में, एक सीट जीते ये बस्तर में 2019 में, और कोरबा को ये दो बार जीते। आप ये मान के चलिए मोहन जी, कांग्रेस परंपरागत रूप से अगर मजबूत कहीं दिखती है किसी लोकसभा में तो वो एकमात्र सीट है कांकेर। कांकेर का प्रदृश्य ऐसा है जिसमें धमतरी जिला की एक सीट है, टोटल वो गौण आदिवासी का बहुल इलाका है, कांकेर जिला पूरा गौण आदिवासी बहुल इलाका है, और आपको पता है मोहन जी बालोद जिला की तीनों सीट आती है, डोंडी लोहारा, गुंडरदेही और बालोद, तीनों विधायक कांग्रेस पार्टी के हैं और एक तरफा चुनाव जीते हैं, यही एक सीट है कांग्रेस के लिए मजबूत जो आधार। बाकी जगह बीजेपी, नहीं नहीं मेरे हिसाब से तो 11 का 11 बीजेपी जीत रही। देखिए कांकेर में बीजेपी पिछला चुनाव 6000 वोटों से जीती मोहन जी, इस बार का चुनाव मैं कांकेर के विषय में ही आपको बता दूं, मैं जहां पर एग्जिट पोल बता रहा है कि शायद कांकेर कांग्रेस जीत सकती है, वहां पर सावित्री मंडावी जी पूरे चुनाव भर नहीं थी जो भानु प्रतापपुर से दो बार जीती, अनिला भेड़िया जी डोंडी लोहरा से जो तीसरी बार जीती वो उतनी सक्रिय नहीं थी, खुद वीरेश ठाकुर जी 6000 वोटों से जीतने के बाद 5 साल सक्रिय नहीं थे। मैं तो 11 की 11 सीट भारतीय जनता पार्टी को दे रहा हूं, ये मेरा आकलन है। ठीक है, तो एग्जिट पोल के आंकड़े अपनी जगह है, लेकिन हमारे जो पैनलिस्ट हैं उनका आकलन हमारे सामने आ चुका है। कुछ सहमति असहमति हो सकती है, लेकिन कुल मिलाकर एग्जिट पोल के आसपास विश्लेषण आ रहे हैं। फिलहाल एक छोटा सा हम ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद फिर से लौटेंगे और अगले सेगमेंट में उन फैक्टरों पर बात करेंगे जिस पर ये एग्जिट पोल के आंकड़े खड़े हैं। तो क्या वो फैक्टर काम कर रहे हैं, इस पर बात करेंगे, लेकिन पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। चार जून किसको मिलेगा जनादेश, किसके सर पर सजेगा ताज, खिलेगा कमल या उठेगा हाथ, देखिए सबसे तेज नतीजे सिर्फ TV24 पर दिन भर। आपका स्वागत है और हम बात कर रहे हैं TV24 की खास चुनावी पेशकश पोल ऑफ पोल में क्या होने जा रहा है। तो मेगा पोल क्या कहता है, किस तरीके का उसका विश्लेषण है, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के लिहाज से क्या कुछ कह रहे हैं एग्जिट पोल और उसकी सच्चाई क्या है, यही हम जांचने परखने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ पैनलिस्ट लगातार बने हुए हैं, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। इस पूरी चर्चा में हमारे साथ हमारे उत्तर प्रदेश के चैनल एडिटर मौजूद हैं शत्रुघ्न जी, हमारे साथ मध्य प्रदेश के एडिटर मौजूद हैं अतुल जी, और हमारे साथ उचित शर्मा राजनीतिक विश्लेषण लेकर मुरारी मिश्रा जी मौजूद हैं। तो चारों पैनलिस्ट हमारे साथ बने हुए हैं और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि हमने पहले चरण में बात कर ली कि एग्जिट पोल के आंकड़े को लेकर किस तरीके के राय है, अब बात करते हैं कि क्या वो फैक्टर जिसकी वजह से सीटों का आकलन किया जा रहा था वही फैक्टर काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। पहले मुरारी मिश्रा जी से ही शुरुआत करते हैं। मुरारी जी, देश भर के सिनारियों के साथ साथ हमारे जो चार प्रमुख प्रदेश हैं जहां हम फोकस रखते हैं हमारा चैनल, उसको लेकर जो आंकड़े दिखा रहे हैं एग्जिट पोल, उससे आप कितना सहमत हैं और क्या फैक्टर काम कर रहे हैं जिसकी वजह से ये आंकड़े बीजेपी के पक्ष में 300 से ऊपर दिखा रहे हैं सब। देखिए मोहन जी, जो बात मैं कर रहा था, जैसे उत्तर प्रदेश की बात अधूरी रह गई थी मेरी,
उत्तर प्रदेश में योगी जी एक इतने बड़े भारतीय जनता पार्टी के ताकतवर हैं मोहन जी, उनका कानून व्यवस्था के को लेकर इतना जबरदस्त एक्शन लेना, और जिस उत्तर प्रदेश में माफियागिरी चलती थी, जिस उत्तर प्रदेश में आप शाम को 6 बजे के बाद रोड में नहीं निकल सकते थे, बहन बेटियां सुरक्षित नहीं थी, उस उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को इतना शानदार बनाना, कानून व्यवस्था के आधार पर पूरे उत्तर प्रदेश को ऐसा बना देना कि आप दुनिया भर की निगाहें इन्वेस्टमेंट उद्योगों के व्यापार के पूरे उत्तर प्रदेश में छा गए, कानून व्यवस्था एक बहुत बड़ा प्रश्न था। दूसरा, अखिलेश यादव जो वहां पे मुख्य विपक्षी पार्टी है, उनका एक ही समीकरण MY, वो मुस्लिम और यादव समीकरण से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। और इस चुनाव में मोहन जी आपको मैं बता दूं, यादव समाज से उन्होंने 5 टिकट दिए बस, और 5 टिकट अपने परिवार के लोगों को दी है, उसमें उनके शिवपाल के बेटे, वो खुद, उनकी पत्नी, उनके भतीजे, भाई, इससे भी यादव समाज भी इससे नाराज है। मेरे को लगता है कि यादव समाज के कुछ वोट निश्चित रूप से छटकेंगे। क्या सिर्फ यादव में उनका परिवार आता है क्या? इस प्रकार से वहां पे जो महीने में 2 बार अनाज देना गरीब जनता, वो देश भर में क्या क्या काम किया होगा? चलिए, ये तो उत्तर देश भर में ऐसा क्या रहा कि दक्षिण में भी सीटें हैं बीजेपी की, उत्तर में भी सीटें हैं, ये दोनों तरफ संतुलन बीजेपी ने किस मुद्दे के आधार पर क्यों बना पाया बीजेपी ये? देखिए मोहन जी, दक्षिण भारत में पिछले 10 साल से मोदी जी ताकत झोंक रहे हैं। मोदी जी सिर्फ एक चेहरा नहीं है, मोदी जी एक ब्रांड है, मोदी जी एक विश्वास है, मोदी जी डेवलपमेंट के एक प्रतीक हैं, मोदी जी भारत को विश्व गुरु बनाने की ओर जो अग्रसर कर रहे हैं उसके वो एक प्रतीक हैं। दुनिया में मोदी जी भारत के सम्मान और स्वाभिमान को आगे बढ़ा रहे हैं। लोगों को, देश की, कोई कुछ भी बोले, देश की जनता को यह लगता है कि मोदी जी एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर, एक ऐसे नेता है जिनका पर विश्वास किया जा सकता है, और वो जो बोलेंगे वो करके रहेंगे। फिर आप ये देखिए, अपने पूरे कोर इशू को वो सॉल्व किए, धारा 370 कश्मीर से हटाए जिससे आज कश्मीर डेवलपमेंट की ओर आगे बढ़ रहा है। आप, राम मंदिर का निर्माण हुआ, भव्य राम मंदिर बना, UCC आया, आपका सबसे ज्यादा उन्होंने हिंदू मुसलमान की भी चर्चा की अपनी सभाओं में, ये भी काम किया क्या? देखिए मोहन जी, हिंदू मुसलमान, आपके बड़े बड़े पत्रकार जो देश में घूम रहे हैं, वो कोई इशू था ही नहीं, आपको मैं बता रहा हूं, ये इशू विपक्ष ने बनाया। आप जब बोलते हैं कि सनातन वायरस है, आप जब बोलते हैं सनातन डेंगू है, आप जब बोलते हैं कि लोग मंदिर में जाते हैं वो छेड़छाड़ करते हैं, राम मंदिर के मंदिर का कोई आवश्यकता नहीं थी, वहां पे टॉयलेट बनना था, वहां पे अस्पताल बनना था, दुनिया भर की बातें, आप संसद के पटल पर ये बोलते हैं हिंदू आतंकवाद, आप संसद के पटल पर बोलते हैं भगवा आतंकवाद, आप हिंदुओं को जब गाली बकते हैं तो देश ध्रुवीकरण अपने आप चला जाता है, और लोगों को ये लगता है कि ये विपक्ष की जो पार्टियां हैं, खासकर जो कांग्रेस है, वो सिर्फ हिंदुओं को टारगेट करती है और मुसलमान का फेवर लेती है। ये ध्रुवीकरण कोई भारतीय जनता पार्टी नहीं बनाती, ये ध्रुवीकरण बनाती कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के लोग। और रही बात साउथ की बात मोहन जी, आपको मैं बता रहा हूं, जिस प्रकार से साउथ में एयरपोर्ट का निर्माण हो रहा है, जिस प्रकार साउथ में एक्सप्रेसवे का निर्माण हो रहा है, जिस प्रकार साउथ में तमिलनाडु से लेकर केरल से लेकर तेलंगाना से लेकर आंध्र प्रदेश में TDP के साथ समझौता होना, तमिलनाडु में अन्नामलई जैसे एक पूर्व IAPS को पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाना, केरल में पूरा ताकत झोंकना, तेलंगाना में पूरे ताकत से चुनाव लड़ना, ये आज का नतीजा नहीं है। डेवलपमेंट के आधार पर साउथ में भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है और धीरे धीरे कांग्रेस कमजोर हो रही है। बस एक बात और बोलूंगा मध्य प्रदेश के बारे में मोहन जी, जो हमारे पत्रकार महोदय बोले, निश्चित रूप से 4-5 सीटों पे कांग्रेस अच्छा चुनाव लड़ी, जिसमें छिंदवाड़ा है, जिसमें झाबुआ है, जिसमें भिंड है, जिसमें मुरैना है, जिसमें राजगढ़ है और जिसमें मंडला है। मैं 2 सीट में कड़ा फाइट देखता हूं मोहन जी, वो है मंडला। मंडला में कांग्रेस ने जो प्रत्याशी उतारा ओमकार सिंह मरकाम, ये 4 बार के MLA लगातार 4 बार से जीत रहे हैं, इसी लोकसभा के डिंडोरी विधानसभा से पूर्व में मंत्री हैं, राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं, और फग्गन सिंह कुलस्ते जी विधानसभा चुनाव हार चुके थे। कुल मिलाकर अगर मैं देखता हूं तो छिंदवाड़ा और मंडला ये 2 सीटों पे जहां पे 60% आदिवासी हैं, इवन छिंदवाड़ा में भी भले वो अनारक्षित सीट है लेकिन 40 से 50% आदिवासी इलाका पड़ता है छिंदवाड़ा में, इन 2 सीटों पे मैं
कांग्रेस को बहुत तगड़ा फाइट देखता हूं। लड़ी तो कांग्रेस 4-5 सीटों पे, कांग्रेस नहीं लड़ी मोहन जी। कमलनाथ जी तो राहुल गांधी का फोटो नहीं लगाए, कमलनाथ जी तो राहुल गांधी और सोनिया गांधी गांधी जी को अपने प्रचार में नहीं बुलाए मोहन जी। सत्य यह है कि जो लड़े कांग्रेस मध्य प्रदेश में वो अपने दम पे लड़े, कांग्रेस के दम पर नहीं लड़े। कुल मिलाकर जो फैक्टर सामने आ रहा है उसमें एक मोदी का जो ब्रांड है, इमेज है, वो काम करता हुआ पूरे देश भर में दिख रहा है। उसका फैक्टर जो है चुनाव परिणामों में भी दिख सकता है, एग्जिट पोल में तो दिख रहा है। अतुल जी की ओर चलते हैं। अतुल जी, क्या ये बार बार नारा हम जो सुनते हैं कि एमपी के दिल में मोदी है, यही वो वजह है जिसकी वजह से ये 27-28 सीटें दिख रही हैं हमें आंकड़े के रूप में मध्य प्रदेश में? निश्चित रूप से देखिए, भारतीय जनता पार्टी का संगठन और विचारधारा दोनों ही मध्य प्रदेश के नागरिकों की इच्छाओं आकांक्षाओं से मेल खाती है। इसी वजह से कई बार हमने देखा कि कांग्रेस की सरकार रही, भारी बहुमत से कांग्रेस को जिताया जनता ने, लेकिन जब लोकसभा की बारी आई तो मध्य प्रदेश की जनता ने बीजेपी पर भरोसा किया। अटल बिहारी वाजपेयी के समय भी बीजेपी को बहुत अच्छा प्रतिशत मिला मध्य प्रदेश से, और आज नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में भी लगातार मध्य प्रदेश बीजेपी को रिस्पांस दे रहा है, बीजेपी को एक बैकअप दे रहा है। कहीं ना कहीं इसके पीछे नरेंद्र मोदी है, इसके पीछे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संगठन संघ और उसके अनुषांगिक संगठनों का कार्यक्षेत्र है, उनका कार्य व्यवहार है और विस्तार है। दूसरी बात ये बता दूं कि यहां पर कांग्रेस क्षत्रपों में बटी रही, कांग्रेस की कमजोरी ही यहां पर कांग्रेस के लिए घातक साबित हुई है। कई जगहों पर इस वक्त कांग्रेस ने बहुत अच्छी फाइट दी है और कई सीटें कांग्रेस हासिल कर सकती थी, लेकिन तब जब कांग्रेस का मनोबल होता, कांग्रेस में एकजुटता होती, रणनीति होती, संगठन में शुरुआत से ही लगातार निरंतरता के साथ एक इन्वेस्टमेंट होता कि लगातार कांग्रेस उसको मजबूत बनाए रखने की कोशिश करती, कार्यकर्ताओं में उत्साह बरकरार रखने में कामयाब होती, तो निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में कांग्रेस के लिए 5-10 सीटें इस माहौल में भी, मोदी युग में भी, ध्रुवीकरण में भी हासिल करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। लेकिन कांग्रेस का मनोबल कमजोर रहा, ध्रुवीकरण निश्चित रूप से रहा जो कांग्रेस के लिए घातक रहा। कई मुद्दों पर कांग्रेस स्पष्टता से जनता के बीच में नहीं जा पाई, जिस तरह से मुस्लिमों को ओबीसी का आरक्षण दिया गया वो भी एक फैक्टर था, और हिंदू मुस्लिम के बीच में जो ध्रुवीकरण है, जो जिस तरह के मुद्दे हैं, उन मुद्दों से मध्य प्रदेश की जनता प्रभावित होती है। वो मुद्दे मध्य प्रदेश की जनता को हर्ट करते हैं, कहीं ना कहीं वो स्ट्राइकिंग मुद्दे हैं जो बीजेपी के पक्ष में जनता को ले जाते हैं। भले ही जब माहौल देखा जाए, जब जनता से पूछा जाए कि बीजेपी से कितना प्रसन्न है, तो जनता बहुत ज्यादा प्रसन्न नजर नहीं आती, लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे हैं, कुछ भावनात्मक बातें ऐसी हैं जो बीजेपी के पक्ष में मध्य प्रदेश के अधिकांश वोटर्स को ले जाती है, और इसी वजह से मध्य प्रदेश से बीजेपी को अच्छा रिस्पांस मिला। ठीक है, इस वजह से मिल रहा है। इसमें कहीं जो बातें आ रही थी कि शिवराज जी साइड लाइन हो गए, इस तरीके की स्थितियों से कोई नुकसान तो नहीं है? देखिए, इस तरह की बातें राजनीतिक विश्लेषकों के लिए लिखने पढ़ने के लिए जरूर महत्व की हो सकती है, लेकिन मध्य प्रदेश का इतिहास देखिए, उमा भारती के कार्यकाल से लेकर आज तक का इतिहास देखिए, शिवराज सिंह चौहान को मध्य प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बहुत कुछ मिलते हुए देखा। जब उमा भारती की वजह से सत्ता मिली, तब शिवराज सिंह चौहान को तस्तरी में सत्ता दी गई। इसके बाद 2018 में कांग्रेस की सत्ता थी, कांग्रेस में विभाजन हुआ, बीजेपी को सत्ता मिली, बीजेपी ने शिवराज सिंह चौहान को फिर मौका दिया। तो ऐसा नहीं है कि शिवराज सिंह चौहान के लिए बीजेपी ने कुछ नहीं कहा, तो शिवराज सिंह चौहान निश्चित रूप से एक ब्रांड एम्बेसडर है। जनता के मन में ये भावनात्मक बात है कि शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री बनना चाहिए था, लेकिन जनता जब दूसरे तरफ देखती है कि शिवराज सिंह चौहान को लगातार बीजेपी ने मौका दिया, 18 साल तक मुख्यमंत्री बनाए रखा, अब सांसद का टिकट दिया है, केंद्रीय मंत्री बन सकते हैं, तो फिर ये मुद्दा खत्म हो जाता है। फिर मोदी मुद्दा, सनातन का मुद्दा, धर्म का मुद्दा और जो बुनियादी जरूरतें हैं वो ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव को हम दृष्टिगत देखें तो शिवराज सिंह चौहान से ज्यादा मोदी का चेहरा क्रेडिबल था, और चुनाव मोदी और राहुल के बीच में लड़ा गया था, इसलिए मुझे नहीं लगता कि शिवराज सिंह चौहान का फैक्टर कहीं कोई बीजेपी के लिए नुकसानदायक या लाभदायक साबित हो सकता। बिल्कुल, तो एक बड़ा मुद्दा और एक बड़ा फैक्टर मोदी का चेहरा रहा, और उसके आधार पर जब चुनाव लड़ा गया, जिसमें मोदी की गारंटी भी थी, मोदी का विकास भी था और मोदी का एक ब्रांड भी था। उचित शर्मा जी की ओर चलते हैं। और देश भर में जो स्थितियां बन रही हैं,
जो खबरें एग्जिट पोल से आ रही हैं उसको लेकर उनका क्या आकलन है, फैक्टर वाइज अगर वो बता पाए तो, जो कहा जा रहा है कि सनातन, ध्रुवीकरण, मोदी, ये सब ने काम किया और आज जो मोदी गठबंधन है या कहें बीजेपी गठबंधन है वो करीब 350 के आसपास अंक पा रहा है, क्या कहेंगे उचित शर्मा जी? देखिए, मोदी जी को किसी वैसे भी किसी गठबंधन की आवश्यकता है नहीं। हकीकत देखिए तो जिस तरीके से मोदी केवल एक एक एक्स्ट्रा बैटरी चार्जेस पावर बैंक लेके वो चल रहे हैं कि एक्स्ट्रा अगर जरूरत पड़ी तो वो आपको उनके जितने भी दल है उनका साथ मिल सके। इंडिविजुअल मेजोरिटी की ओर ऑलरेडी दिखती हुई नजर आ रही भारतीय जनता पार्टी। हालांकि थोड़ा सा इस पर वक्त है, थोड़ा सा मैं कहूँ की इतनी जल्दीबाजी अभी नहीं करनी चाहिए कि इंडिविजुअल कैपेसिटी पे भारतीय जनता पार्टी मैंडेट ले आएगी, ये भी हमको इंतजार करना पड़ेगा। मुद्दों की बात करें तो मुद्दे अपने दम पर बीजेपी नहीं लाएगी, 272 तो आ जाएंगे उनके, नहीं आ पाएंगे। देखिए, मुझे लगता है कि अलायंस के साथ ही उनकी पिछली बार स्थिति थी, अलायंस के साथ जो है वो सरकार बनाएगी। पिछली बार इंडिविजुअली वो 303 में थे, उसके बाद भी उनके साथी, उनके साथ उन्होंने मंत्री भी बनाया, उनका साथ भी लिया। अभी भी वो देखिए कि मुझे लगता है कि अभी थोड़ा सा वोट परसेंटेज या सीटों पे थोड़ा सी डेंट पड़ सकती है। आप देखिए कि जो जिस तरीके से आप देखिए कि जिस पे अब मैं कह रहा हूँ कि ये एम वाई फैक्टर कह रहे थे सर, कि इसी एम वाई फैक्टर ने अब जो है वो थोड़ी सी, जैसे अब यूपी की बात करें, बिहार की बात करें, तो एम वाई फैक्टर ने वो मुस्लिम और यादव की बजाय जो है अब वो महिला एंड यूथ पे भी कन्वर्ट हुआ है। इस बात को इनकार नहीं किया जा सकता, जो एम वाई फैक्टर मुस्लिम और यादव था वो महिला और यूथ में भी कन्वर्ट हो चुका है, तो उस पर भी बात हुई है। तो मैं एग्जैक्टली कांग्रेस का या इंडिया अलायंस का कोई वो नहीं कर रहा कि मतलब कि ऐसा थोड़ा सा पॉजिटिव की गांधी फैमिली की तरफ, गांधी परिवार की तरफ भी लोग आकर्षित हुए हैं। तो भले ही इनके जो अलायंस के ऊपर हुए हैं, अगर एग्जैक्टली गांधी ना बोले तो एक अलायंस के ऊपर जिस तरीके से बहुत सारे एलिगेशन लगे, जिस तरीके से पूरी की पूरी क्रेडिट ली गई, जिस तरीके से इलेक्ट्रॉनल बॉन्ड में काम हुआ, जिस तरीके से धर्म का नाम लिया गया, जिस तरह मंगल सूत्र का नाम लिया गया, जिस तरीके से तमाम इश्यूज जो हुए हैं, तो मुद्दे तो रहे नहीं थे। मोदी पे तो चुनाव लड़ रहे थे, मोदी की गारंटी काम कर ही रही थी, तो नो डाउट कि थोड़ा सा जैसे 72 सीट थी, 72 से 62 आई, 62 से मुझे लगता है कि मैं अभी फिलहाल की स्थिति में जो एग्जैक्ट फिगर है वो 52-53 सीट के रूप में मैं देखता हूँ उत्तर प्रदेश। अगर आप उत्तर प्रदेश, नो डाउट मध्य प्रदेश अभी भी गढ़ बना हुआ है, दूसरा गढ़ इनका राजस्थान जिसमें चोट लगने की नौबत आ सकती है। जो 25-25 सीट राजस्थान में इनके पास थी वो मैं कहूंगा कि उसमें थोड़ा सा डेंट लग सकता है। गुजरात इनका गढ़ बना हुआ है, गुजरात पे डेंट लग सकता है, अभी रखने की कोई उम्मीद नहीं। तो गुजरात, मैं कहूंगा कि गुजरात और मध्य प्रदेश की स्थिति अमूमन वही रहेगी जो पहले थी। राजस्थान इनके पास चोट थोड़ा पहुंच सकते हैं, यूपी में चोट लग सकती है, महाराष्ट्र में चोट लग सकती है और बिहार में चोट लग सकती है, क्योंकि वो अपने अपने रीजन है। वहां अलायंस जो है, आपने पार्टी तोड़ा, सरकार तोड़ी, वहां पे जो फ्रिक्शंस हुए सभी दलों के साथ साथ, दो दल और नए युवा दल बोलना चाहिए, नवजात दल भी पैदा हो गए, जो पुराने दल थे 30 साल पुराने, 50 साल और 60 साल पुराने दल थे उनके भी नवजात पैदा कराए गए हैं या हुए हैं, जो भी राजनीतिक गतिविधियां हुई हो। लेकिन ये एक कि मोदी की गारंटी वहां थोड़ी सी मैं कहूंगा कि नुकसान हुआ है। साउथ में अगर आप जाएं तो साउथ में कर्नाटका में जो है, कर्नाटका इनका हमेशा हिंदुत्व का लैब रहा है, हिंदुत्व के वहां पे लैब बना के काम कोशिश हो जाती है। कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी को मैं कहूंगा उड़ीसा से काफी अच्छे फायदे हो रहे हैं, अब वेस्ट बंगाल में इनको फायदे हो सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि कहीं माइनस इनका हो रहा है तो कहीं प्लस भी हो रहा है, लेकिन बस इंडिविजुअल कैंपस 273-275 के आसपास मैं इनको देखता हूँ इंडिविजुअली, जो नियर टू मैजिक फिगर रहेगा। तमाम जगह से चोटें लगेंगी, तमाम जगह से बढ़ोतरी होगी, मतलब राजस्थान जैसे चोट लग सकती है इनको, छत्तीसगढ़ में कहूंगा कि दो सीट है उससे भी आगे बढ़ सकते हैं। आप ये देखिए कि महाराष्ट्र में तो कोई सिचुएशन उतनी है नहीं जितनी उनकी पूरी सीट थी, तो अभी वो महाराष्ट्र में भी चोट लग रही है। तो एग्जैक्टली इतने फिगर जो एग्जैक्ट पोल के आ रहे हैं, मैं भी इससे इतफाक नहीं रखता, ये एग्जैक्ट पोल में अभी कन्वर्ट होंगे, थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। मैं बैलेंस एक चीजें बोलूं कि जो हकीकत दिख रही है,
13 की 13, हालांकि इसको भी नकार नहीं सकते, इनकी मेहनत को नकारा नहीं जा सकता, मैं सिरे से खारिज नहीं कर सकता हूं, लेकिन थोड़ा सा एक कदम आगे बढ़ा के दिया जा रहा है, एक कदम आगे बढ़ा के जितना हकीकत में है नहीं उतना दे दिया जा रहा है। अगर हो जाता है तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी एक चुनौतीपूर्ण चुनाव लड़ रही थी, खासकर साउथ में जहां उनका कोई अभी मतलब, एक तो कर्नाटक जो उनका खुद का गढ़ है, साउथ में अगर भारतीय जनता पार्टी का देखे गढ़ तो एक कर्नाटक रहा है, आप कर्नाटक का गुजरात उसको आप बोल सकते हैं, लेकिन जैसे ही वहां पे इलेक्शन हुए लोग विधानसभा के, तो वहां पे उनको मुंह की खानी पड़ी थी, लेकिन वहां पर जितनी उम्मीद आप जितने इनके कर्नाटक में जितने इनके वोटर्स है, मतलब 28 वहां पे सीट है, बड़े लंबे उनके सांसद रहे हैं, 25 अगर मैं गलत रही 125 सांसद आसपास वहां रहे हैं, तो वहां पे एक आप चोट लग सकती है। एपी में आप देखें कि मैं 5 सीट से ज्यादा उम्मीद इन पे नहीं कर रहे हैं, झारखंड में आप देखें तो 9 सीट के आसपास आएगी, आप आसाम में थोड़ा सा अच्छा उनका दिख रहा है, आसाम में नॉर्थ ईस्ट की अगर आप बात करें, वही महाराष्ट्र में मुझे नहीं लगता कि 16-18 सीट के ऊपर है, बीजेपी बिहार में भी अलायंस के साथ अगर आप देखें तो 12-14 के आसपास इंडिविजुअली बोल रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी की। एमपी नो डाउट बहुत अच्छा है, राजस्थान में चोट लग सकती है, सीटें कम होंगी, कर्नाटक में होंगी, गुजरात की एज इट इज होंगी, एपी में 4-5 सीट भारतीय जनता पार्टी की आपको दिख सकती है, केरला में उम्मीद नहीं कर रहा हूँ, तेलंगाना की 17 सीट में कम से कम 7-8 सीट दोनों ही दल को आप उस पर उम्मीद कर सकते हैं, उड़ीसा में भी आप यही उम्मीद कर सकते हैं 10-12 की उम्मीद इंडिविजुअली भारतीय जनता पार्टी की उम्मीद करें, तो भारतीय जनता पार्टी इंडिविजुअल कैपेसिटी में जहां से मैं देख रहा हूँ जो मुझे समझ है थोड़ी सी, ठीक है, उड़ीसा में भी सरकार बनती दिख रही है एग्जिट पोल के मुताबिक, तो विधानसभा में भी हाँ आप उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है, लेकिन मैं थोड़ा सा उत्तर प्रदेश में भी हमारे जो ब्यूरो हेड हैं शत्रुघ्न जी वो जुड़े हुए हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं। उचित शर्मा जी ने जो एक बात कही कि 50 के आसपास अटक भी सकती है बीजेपी उत्तर प्रदेश में, और देश भर में जो सिनारियो है उसमें इनकम्बेंसी और जो कांग्रेस के द्वारा घोषणा पत्र लाया गया जिसमें 1 लाख रुपए देना, पहली नौकरी देना, जो शिक्षित लोग हैं उनको जो है स्टाइपन देना, इस तरीके की जो बातें थी वो भी काम किया है क्या, डबल इंजन की सरकार है उत्तर प्रदेश में उसके बावजूद? शत्रुघ्न जी देखिए, उत्तर प्रदेश का सीन थोड़ा सा अलग है जी। उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर एक बहुत बड़ा फैक्टर हुआ करता है, क्योंकि यहाँ पे जब अखिलेश यादव की 2012 में सरकार थी, अखिलेश यादव जब यहाँ पे मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पे गुंडागर्दी चरम पे थी, पुलिस प्रशासन का कोई मतलब नहीं हुआ करता था, उससे पहले भी जब मुलायम सिंह यादव भी मुख्यमंत्री होते थे तो लॉ एंड ऑर्डर की समस्या एक उत्तर प्रदेश के साथ एक बड़ा फैक्टर रहा है। अब उसमें होता क्या है कि जो विक्टिम होते थे वो यादव के अलावा दूसरे लोग हमेशा विक्टिम होते थे, उनकी जमीनें कब्जा लेना, वहां थानों में जाके यादव लोगों को छुड़ा लाना, एक पूरे प्रदेश में ऐसा माहौल बन गया था कि जैसे लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज नहीं है, दंगे होना यहाँ पे एक बहुत बड़ी चीज हुआ करती थी। तो एक यहाँ पे क्या हुआ कि जो यादव के अलावा जो दूसरी कम्युनिटी है वो सारे लोग इकट्ठे रहते हैं कि कहीं अगर ये पावर में आ गए तो ये पुराना वाला फिर वो ही माहौल बना देंगे, इसका खामियाना अखिलेश यादव को उठाना पड़ता है। लॉ एंड ऑर्डर की अगर समस्या ना हो तो अखिलेश यादव पढ़े लिखे हैं, बाहर पढ़े हैं, ऑस्ट्रेलिया पढ़े हैं, सब कुछ ठीक है, उनको लोग वो गुंडागर्दी पसंद भी नहीं करते हैं, लेकिन समस्या क्या है कि जो उनके पार्टी के लोग हैं वो ज्यादातर उनके गुंडागर्दी करते हैं, उनके कार्यकर्ता हैं। अभी भी जब वो सभा करते थे तो अभी यहाँ पे सभाओं में ये स्थिति हुई कि कार्यकर्ता बैरिकेडिंग तोड़ के मंच पे चढ़ गए, ब्लैक कैट कमांडो ने उन्हें झपट के पटका, एक दो आपने वीडियो देखे होंगे, लोग जबरदस्ती कूद के मंच पे चढ़ गए। लॉ एंड ऑर्डर को तोड़ना समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को ऐसा लगता है कि उनको इससे बड़ा फायदा होता है या मजा आता है। एक तो फैक्टर ये हो गया कि उनको सबसे पहले कि लॉ एंड ऑर्डर, अब लॉ एंड ऑर्डर में सिर्फ यादव को छोड़ के बाकी के लोगों को आपने सताया हुआ है, उनको परेशान किया हुआ है, तो एक तो क्या हुआ कि अकेले अखिलेश यादव की पार्टी में इस समय सिर्फ यादव कम्युनिटी जो है वो उनका एक बेस बोर्ड बन गया, उसके अलावा बाकी के एक मोहम्मदन बोर्ड हो गया, दो लोग यहाँ पे इनके वोट हो गए। लेकिन इसके साथ साथ एक इस फैक्टर के साथ साथ एक भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया, यहाँ उत्तर प्रदेश में हमने जो बड़ा गहराई से देखा है,
लाभार्थियों की एक सूची बनाई गई, जिसको भी कोई लाभार्थी उसने सरकार से कोई बेनिफिट मिला है, उसको शौचालय मिला है, उसको घर मिला है, उसको राशन मिला है, या जो भी उन्हें सरकार से पेंशन मिला है, या उसको मेडिकल का कार्ड मिला है, आयुष्मान कार्ड मिला है, उनको उस सारे उनकी एक लिस्ट बनाई गई और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगाई गई कि उनसे आप मिलिए, उनसे मिलिए, उनकी मीटिंग करिए, उनको आप चार्ज करिए। तो वो सारे लोग जो हैं, क्योंकि ये लाभार्थी लोग बहुत ज्यादा हैं, इन लाभार्थियों से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी की टीम लगातार टच में रही, इनको रिचार्ज करती गई। एक ये सबसे बड़ा फैक्टर हुआ, लॉ एंड ऑर्डर इधर एक ऐसा फैक्टर ही था। तीसरा एक फैक्टर यहाँ उत्तर प्रदेश में जो एक इन्होंने कोशिश की, समाजवादी पार्टी और राहुल गांधी ने, समाजवादी पार्टी कांग्रेस ने ये कोशिश की कि मोदी जी के ऊपर ये आरोप लगा दिया जाए कि 400 अगर सीट आ गई तो संविधान में संशोधन कर देंगे, एससी एसटी का आरक्षण खत्म कर देंगे। इन्होंने ये गुगली फेंकी, लेकिन मोदी जी ने वो गुगली पकड़ ली। मोदी जी ने उत्तर प्रदेश की सारी रैलियों में ये कसम खाई, मुझे लगता है भारत की सारी रैलियों में कसम खाते थे वो, कि मेरे रहते हुए एससी एसटी ओबीसी का आरक्षण खत्म नहीं कर सकते, मोहम्मदन को नहीं दे सकते। वहां से उन्होंने मुद्दा घुमा दिया और उन्होंने घुमा दिया कि 4% मोहम्मदन का देखो इन्होंने कर्नाटक में दे रखा है, देखो ये और अपने राज्यों में तेलंगाना में दे रखा है, अब ये क्या करेंगे अगर ये सत्ता में आ गए तो आके वहां पे मोहम्मदन को आरक्षण दे देंगे। हालांकि यहाँ पे कुछ जगह पे यहाँ हमने देखा है, पूर्वांचल में समाजवादी पार्टी के लोग कुछ एससी एसटी के लोगों को समझाने में सफल भी हुए हैं कि अगर ये लोग आ गए तो कहीं ना कहीं आके ये संविधान बदल देंगे, आप लोगों का आरक्षण समाप्त हो जाएगा। एक ये सबसे, लेकिन ज्यादातर में क्या हुआ कि कर्नाटक में और तेलंगाना में जो कांग्रेस पार्टी ने इन लोगों ने जो वहां पे आरक्षण दे रखा था, उसकी वजह से लोगों को एविडेंस मिल गया, सबूत मिल गया कि हाँ इन्होंने दिया हुआ है तो हो सकता है ये सत्ता में आए तो वहां पे आरक्षण दे। भारतीय जनता पार्टी ने की कार्यकर्ताओं ने, उन्होंने बहुत पहले से बहुत अच्छी तैयारी करी और उन्होंने, उनका ग्रास रूट कार्यकर्ता है और बड़ा डिसिप्लिन कार्यकर्ता है और शासन प्रशासन इस समय उनका स्थायी यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर का इशू था। और एक चीज जो इस बार हमने और देखने को मिली है, जो मोहम्मदन की पोलिंग होती थी वहां पे वोट परसेंटेज फर्जी वोट पढ़ के बहुत ज्यादा पोलिंग होती थी, वहां पे मैंने देखा प्रशासन ने आधार कार्ड वेरिफिकेशन की मशीन रखा थी। जैसे फिरोजाबाद में मैंने देखा जहां पे रामगोपाल यादव के बेटे चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहां पे आधार वेरिफिकेशन की मशीन रखी गई थी, वहां पे आधार वेरीफाई करके बुरके वाली जो लेडी जा रही थी उनको आधार वेरीफाई करके उनको वोट डालने के लिए दिया जा रहा था। तो शासन प्रशासन का भी इस्तेमाल इसमें भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छी तरह किया है लॉ एंड ऑर्डर के लिए और अपने सभी फेयर वोटिंग के लिए, या कहिए अपने पक्ष में वोटिंग कराने के लिए, मैं भी कह सकता हूं उन्होंने जो इस तरीके का इस्तेमाल किया। हुआ क्या कि समाजवादी पार्टी के पास और कुछ कहने को था नहीं, उन्होंने अपनी ही गुगली में वो फंस गए, क्योंकि मोहम्मदन वाले विषय पर समाजवादी पार्टी डिनाई भी नहीं कर सकती थी कि नहीं नहीं हमारा क्षण नहीं देंगे, ना राहुल गांधी कर सकते थे। तो एक ये सबसे बड़ा कारण लॉ एंड ऑर्डर और दूसरा अपनी ही गुगली में फंस जाना, दो वजह रही है। और समाजवादी पार्टी का कोई एक्स्ट्रा वोट अपने सारे दोस्तों को उन्होंने खो दिया, कोई दोस्त उनके पास एक्स्ट्रा है नहीं। मैंने देखा है कि आपका बलिया में लास्ट टाइम पे नारद राय उनके पूर्व मंत्री थे, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया। एक राजकिशोर सिंह, अगर आप उनको बस्ती में, राजकिशोर सिंह बड़े नेता के पूर्व मंत्री थे, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिया। हर जिले में हर सीट पे कोई ना कोई बड़े नेता चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गया। तो एक तो विश्वास की कमी रही उनके नेताओं में, तो उनके जब आपके पास दोस्त नहीं रहेंगे, टीम नहीं रहेगी, तो कहीं ना कहीं रिजल्ट यही आएंगे जो आपको इस समय एग्जिट पोल में दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो ये आखिरी राउंड है, इसमें समय कम है, इसलिए एक छोटी छोटी टिप्पणी हम अपने पैनलिस्टों से ले लेंगे। पहले अतुल जी की ओर चलते हैं। अतुल जी, राज्य सरकार की भी कोई भूमिका किस तरीके की भूमिका देखते हैं, उनका भी इस पूरे जो आंकड़े आए उसमें क्या क्या योगदान है मोदी फैक्टर के अलावा मध्य प्रदेश में? देखिए, यदि हम मध्य प्रदेश की सरकार को देखें तो निश्चित रूप से डॉक्टर मोहन यादव ने बहुत मेहनत की, लगातार वो दौरे करते रहे और जिस दिन से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हुई हर एक कैंडिडेट के साथ मोहन यादव नजर आए, लगातार वो दौरे करते रहे। तो सरकार की एक महत्वपूर्ण भूमिका है कि नई नवोदित सरकार है, नई नवोदित सरकार से बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। एक नया चेहरा डॉक्टर मोहन यादव के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने दिया और हर क्षेत्र से, हर वर्ग से किसी न किसी को मंत्रिमंडल में तवज्जो दी, उन्हें स्थान दिया। इस वजह से तमाम
सरकार के प्रमुख चेहरों को चुनाव मैदान में उतारा गया। इसके अलावा मंत्रियों को टारगेट दिए गए, उन्हें आखिर समय पर अमित शाह को चेतावनी भी देनी पड़ी कई जगह पर, जब लापरवाही दिखाई थी कि मंत्री पद जा सकता है यदि संबंधित मंत्री के क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट भारी बहुमत से नहीं जीतता। इसके बाद विधायकों में भी कहीं लापरवाही दिखाई दी तो विधायकों को भी चेतावनी दी गई। तो कुल मिलाकर सरकार और संगठन दोनों ने मिलकर कड़ी मेहनत की, जहां जहां कमजोरियां नजर आई उन कमजोरियों को आइडेंटिफाई करके बीजेपी ने उन्हें रिमूव करने की कोशिश की, हटाकर और फिर से पूरी ताकत के साथ चुनाव मैदान में आगे बढ़ने की कोशिश की। शायद इसी वजह से एग्जिट पोल इस तरह के आकलन को दिखा पा रहे हैं कि बीजेपी भारी बहुमत के साथ 28 से 29 सीट पूरी की पूरी सीट हासिल करने की स्थिति में अभी नजर आ रही। तो डबल इंजन यहां भी काम करता हुआ दिखाई दिया है। मुरारी जी के पास चलते हैं। मुरारी जी, बीजेपी क्योंकि ज्यादातर शासित राज्यों में देश में है, इसलिए बीजेपी को एक एक्स्ट्रा फायदा मिला। असम की बात करें, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, इस वजह से ये गेंद दिखाई दे रहा है क्या, क्योंकि उसके नित सरकारें हैं ज्यादातर प्रदेशों में? नहीं मोहन जी, इसका एक दूसरा रूप भी है। जब तीन स्टेट में राज्य में बीजेपी की सरकार नहीं थी, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में, तो राजस्थान की 25 की 25 सीट जीती, आपका मध्य प्रदेश में 28 सीट जीती और आपका छत्तीसगढ़ में 9 सीट जीती। तो राज्य सरकार का चुनाव, स्टेट का चुनाव बिल्कुल अलग मुद्दे का चुनाव है, अलग विषयों पे लड़ा जाता है। और केंद्र का सरकार मोहन जी पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ और सिर्फ मोदी ब्रांड के आधार पर वोट पड़ा है, मोदी नाम पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चुनाव लड़े हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो आसाम हो। राज्य सरकार का चुनाव राज्य सरकार तक सीमित है और केंद्र का सरकार सिर्फ और सिर्फ मोदी ब्रांड पर लड़ा गया और उसी के आधार पर वोट पड़ा गया। एक लाइन और मैं कुछ बोलना चाहूंगा मोहन जी, राहुल गांधी जी का जो बयान है, ये बयान बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण और अत्यंत शर्मनाक बयान है। देखिए, अभी वोटिंग मशीन खुली नहीं है मोहन जी, एग्जिट पोल एक स्वतंत्र एजेंसी करती है, पत्रकारों के बयान है, देश में बड़े बड़े पत्रकार पूरे देश में घूमे हैं। एग्जिट पोल जो जनता वोट देके निकलती वो अपना बयान देती है, हार रहा है वो कैसे स्वीकार करेगा? वो तो अपने कार्यकर्ताओं को मोराल बढ़ाने के लिए इस तरीके के बयान नहीं, सीधा मीडिया पे हमला करना। देखिए, ये तो स्वतंत्र एजेंसी काम करी, ओपिनियन पोल तो जनता अपना ओपिनियन बताती है, लेकिन इसको गोदी मीडिया बोल देना, आप अपने अंदर की गलतियों को देखते नहीं हो, आप अपने अंदर के जो आपकी कमियां हैं उसको कैसे आप अच्छा ठीक करें उसको सुधारने का प्रयास नहीं करते हो। आप जिस समय रणनीति बनानी थी उस समय आप देश में पदयात्रा में निकल गए। कुछ खामियां जरूर थी कांग्रेस में और इसलिए ये एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आए हैं। हालांकि अभी जो अंतिम परिणाम है वो 4 तारीख को पता चलेंगे, लेकिन जो एग्जिट पोल है वो भी अपने आप में काफी हद तक जो परिणाम है उसके करीब तक जाते हैं। तो उन्हीं सब बातों को आज हमने अपने विश्लेषण में जानने की कोशिश की और अपने दर्शकों को बताया कि जो एवरेज पोल ऑफ पोल है वो क्या है और उसके पीछे के कारण क्या है। पूरी चर्चा में हमारे साथ उचित शर्मा जी जुड़े, उनका बहुत धन्यवाद। हमारे साथ शत्रुघ्न जी थे उत्तर प्रदेश से, उनका बहुत धन्यवाद। अतुल जी ने अपना कीमती समय दिया मध्य प्रदेश से, उनका बहुत धन्यवाद। और राजनीतिक विश्लेषक के रूप में मुरारी मिश्रा जी हमारे साथ थे स्टूडियो से, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। करते हुए आज की ये चर्चा यहीं खत्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।